अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हैदर अली शाह है। मैं आपके कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। मैंने एमफिल मुकम्मल किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एएमडीसी। जितने भी न्यूट्रिशन साइंस के एमएलटी के एमआईटी के स्टूडेंट्स हैं, सबको वार्म वेलकम है। आई नो आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, बल्कि सब ने ही कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी होती। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सबका बायोलॉजी से रहता है, तो माइट पॉसिबल आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि अब तो हम कंप्यूटर पढ़ने लगे हैं तो क्या हमें कंप्यूटर साइंस समझ आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि लास्ट टाइम आपने शायद 8th क्लास में या शायद 6th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, उसके बाद आपका कंप्यूटर से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं रहता। तो अगर आपके माइंड में इस तरह का कोई डाउट आता है कि कंप्यूटर हमें समझ आएगी या नहीं आएगी, तो इस बारे में बिल्कुल आपने फिक्रमंद नहीं होना। आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर साइंस समझ आएगी। अगर कोई किसी किस्म का सवाल उठेगा जहन में तो आप ऑनलाइन ही पूछ सकते हैं। मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, ईमेल आईडी, अपना नंबर और फेसबुक आईडी भी आप लोगों के पास होगी। बिकॉज आप लोग ग्रुप में पढ़ रहे हो तो किसी भी किस्म का कोई सवाल होगा वो आपने ज़रूर पूछना है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। मैं आपको पहले बता दूं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होता है। आपके कोई लॉन्ग क्वेश्चन कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। 45 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। टोटल कंप्यूटर का पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है। 45 आपके एमसीक्यूज आते हैं और 5 मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं, टीचर्स के हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में। वो जिस तरह आपका बिहेवियर रहता है पूरे साल हमारे साथ, फैकल्टी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, आपकी अटेंडेंस, आपके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, आपकी अटेंशन टीचर के लेक्चर के दौरान और बाद में भी, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके आपको वो 5 मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि कोर्स आउटलाइन क्या है, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इस कोर्स में। तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन है, आप ज़रा ऑब्जर्व करें। तो हियर यू कैन सी के सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है, ठीक है, डेफिनेशन है, बिल्कुल जो बेसिक्स, वेरी बेसिक्स होती हैं कंप्यूटर की, ये बिल्कुल उनके बारे में बात की जाएगी। फिर हम कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे, हार्डवेयर है, विंडोज़ है, सॉफ्टवेयर है, एंड देन आपका प्रैक्टिकल का लेक्चर भी होगा मेरे साथ ही, जिसमें हम लोग ये 3 सॉफ्टवेयर सीख रहे होंगे, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने, हो सकता है ये चीज़ें ऑलरेडी सीखी हों, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी रिसोर्स से। आपका कोई बड़ा बहन भाई है वो काम करता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पे, उसने कभी कोई काम किया हुआ है या उसने कभी कोई अपनी असाइनमेंट बनाई है वर्ड एक्सेल में, तो आप लोग उसको देख के आपको पता चल जाता है ये वाले टूल्स हैं जो आप यूज़ करोगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इसने शॉर्ट कोर्स कर रखा हो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का, तो किसी भी रिसोर्स से आप ये चीज़ सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सिखाऊंगा वो हर्फ आखिर होगा, आप खुद रिसर्च करो, आपको समझ आती जाएंगी चीज़ें। तो ये कोर्स आउटलाइन थी, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा वीडियो को पीछे से देख के। ये बुक है आपकी जो रिकमेंडेड बुक है, कंप्यूटर फॉर बिगिनर्स बाय आईटी सीरीज, ठीक है। इसका मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ कौन सी बुक आपने परचेज करनी है। ये है आपकी बुक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिए ताकि आप जब परचेज करने जाओ तो आप इसको आसानी से परचेज कर लो। ये पीएम सीरीज है, ठीक है, आप पीएम सीरीज, आईटी सीरीज या जिस मर्जी सीरीज की आपको रिकमेंड, आपको जिस सीरीज की बुक मिलती है आप वहां से परचेज कर लें शॉप से, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक दफा आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि किसी भी किस्म का कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा माइंड में, तो आपने ज़रूर डिस्कस करना है। ऑनलाइन क्लास का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते या आपको किसी किस्म की लिमिटेशन का सामना है, ये बिल्कुल नहीं ऐसा सोचना। और कभी भी माइंड में ये भी नहीं लेके आना हम तो बायो पढ़ के आए हैं, कंप्यूटर पता नहीं कोई अजीब चीज़ होगी या समझ आएगी कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, इंट्रोडक्शन का ही लेक्चर है, वेरी बेसिक्स। आज आप लोग क्या क्या सीखोगे,
पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। आप देखोगे कि कंप्यूटर आज के सिनेरियो में कैसे हैं, मतलब मॉडर्न डे सिनेरियो में कैसे हैं, फिर कंप्यूटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, देन कंप्यूटर कहाँ से निकले, कहाँ से अख्ज़ हुआ इनका, कहाँ से स्टार्टिंग होती है कंप्यूटर्स की। लिबनिज एक साइंटिस्ट था, उसकी थ्योरी जानेंगे, एबाकस क्या है, स्लाइड रूल क्या है, पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या है, और चार्ल्स बैबेज की कंट्रीब्यूशन कंप्यूटर में क्या है। ये सब कुछ एक स्टोरी की तरह आपको समझ आएगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होगा कि जैसे आपको शायद लग रहा होगा लिबनिज की थ्योरी कोई डेरिवेशन होगी फिजिक्स की तरह की, नथिंग, ये सिर्फ उसकी एक बात है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्लाइड रूल कोई मैथ की कोई डेफिनेशन होगी या केमिस्ट्री का कोई रूल, एंड नथिंग, बहुत ज़्यादा ईजी होगा सब कुछ। सो लेट स्टार्ट। कंप्यूटर्स ने हमारी ज़िंदगी का रुख ही तब्दील करके रख दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इन डिवाइसेस के बगैर, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बगैर अब रह ही नहीं सकते। कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, स्टॉक्स में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में। देखो अभी आप लोग मेरा जो लेक्चर सुन रहे हो ये किसी ना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पर सुन रहे हो, आप कंप्यूटर पर सुन सकते हो, लैपटॉप है आपका, फ़ोन है, आपने जो हैंड्स फ्री लगाई होगी या हैंड फ्री नहीं लगाई हुई, आपको डेटा पैकेज करवाना पड़ता है या वाईफाई के जरिए, आपके इर्द गिर्द हर वक्त कंप्यूटिंग डिवाइसेस ही रहती हैं। तो एजुकेशन में या जितने भी जो फील्ड्स बताई हैं मैंने, इन सब में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा रोल है आज की दुनिया में, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कंप्यूटर्स आर लाइफ ब्लड ऑफ टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में तो कंप्यूटर एक खून की तरह है, ठीक है। वो होगा तो जिंदगी है, नहीं होगी, नहीं होगा आपके पास तो आप पीछे रह जाते हो। कंप्यूटर ना हो तो पावर ग्रिड खुद ब खुद बंद हो जाए, उनकी प्रोसेसिंग ना हो सके, वो चले ही ना, बिजली ना आए। कंप्यूटर्स ना हो तो कार्स क्रैश होना शुरू हो जाएं, उनको रास्ता ना समझ आए। कंप्यूटर्स ना हो तो हवाई जहाज़ उड़ते उड़ते गिरना स्टार्ट हो जाए। कंप्यूटर्स ना हो तो आपके हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट रुक जाएं, जो डिवाइसेस एक पेशेंट के बॉडी के साथ अटैच होती हैं वो काम करना रुक जाएं तो आप रीडिंग्स नहीं ले सकते, आप हार्ट बीट, आप जो पल्स रेट है और इस तरह की जो रीडिंग्स हैं वो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। स्टॉक मार्केट फ्रीज हो जाए अगर कंप्यूटर ना हो तो, जो जितने भी ये फूड पैंडा है या फिर दूसरी फूड ऐप, फूड डिलीवरी की एप्लीकेशंस हैं, ये अपना फूड डिलीवर ना कर पाए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉयज़ को सैलरी ना मिले, क्योंकि सैलरी के जो सिस्टम्स हैं सैलरी काउंट करने के वो कंप्यूटराइज्ड हैं। तो ये सब कुछ ना हो पाए आज की दुनिया में अगर कंप्यूटर्स हमारे पास ना हो तो, ठीक है। तो आप कंप्यूटर की दुनिया को आप साइबर वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड या एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स जब आए तो हमारी इस दुनिया में एक नया एरा स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लग गया, जिसकी वजह से आपकी जो डेली लाइफ की जो गुड्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गई, जिसकी वजह से ट्रैवल और कम्युनिकेशन फास्टर और चीपर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि जब व्हाट्सएप नहीं था तो लोग किस तरह कम्युनिकेट करते थे आपस में, उनके पास टेलीफोन होता है और टेलीफोन के ज़रिए से जब वो किसी को कॉल करते हैं या मैसेज करते थे एसएमएस के थ्रू तो उनके पैसे कटते थे, ठीक है। हालांकि एक मोबाइल फ़ोन भी आपका एक कंप्यूटिंग डिवाइस ही है, लेकिन जब पैसे कटते थे लोगों को तकलीफ़ होती थी, उस तकलीफ़ को दूर किया व्हाट्सएप ने आके। तो और व्हाट्सएप अभी बिल्कुल फ्री है, इसी तरह जितनी दूसरी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन हैं, यू कैन से इंस्टाग्राम है आपके पास, फेसबुक है या कोई दूसरा स्नैपचैट है, ये सारी एप्लीकेशन क्या करती हैं हमारे लिए, हमारे लिए कम्युनिकेशन को चीपर और फास्टर कर देती हैं। जो शेयर इट की एप्लीकेशन का आपको पता होगा, ब्लूटूथ है, शेयर इट है, ये फ्री में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती हैं। सो कंप्यूटर्स की आने की वजह से लाइफ आसान और फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट अप, अच्छा ये बात हमने कर ली है, अगली बात ये है कि आने वाले औकात में कंप्यूटर्स किस तरह इवॉल्व हो जाएंगे। आने वाले औकात में ऐसी टेक्नोलॉजी आपके सामने आ जाएगी कि कार्स ऑटोमेटिकली ड्राइव की जाएंगी,
बस आपने गाड़ी में बैठना है और लोकेशन सेट करनी है। कार्स खुद ब खुद डिस्टेंस पे ट्रैवल करेंगी एक दूसरे से, एक्सीडेंट होने से बचेंगे, ड्राइवर लेस कार्स होंगी और वो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, और ये सब कुछ पॉसिबल हो सक रहा है कंप्यूटर्स की वजह से। फिर वर्चुअल रियलिटी भी एक कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं इस इमेज में इस शख्स की आईज पर एक डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। इस डिवाइस में उसको फील इस तरह हो रहा होता है कि वो किसी रियल एनवायरनमेंट में है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के लिए पायलट्स को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बिठा नहीं दिया जाता, लें जी पायलट साहब आप बैठें और जाएं ज़रा एक चक्कर तो लगा के आए, ज़रा टेस्ट ड्राइव करें प्लेन को, इस तरह नहीं होता। पहले पायलट्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है वर्चुअली, ये वीआर हेडसेट्स पहना के उनको ऐसा फील करवाया जा रहा होता है कि वो वाकई एरोप्लेन के कॉकपिट में है और वो उनके सामने बिल्कुल वो कंट्रोल्स होते हैं जो एक एरोप्लेन के कॉकपिट में हो, और फिर उनको एक वर्चुअली ट्रेनिंग करवाई जाती है कि एरोप्लेन यूं उड़ेगा। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल सेट की है ना, मल्टीपल एग्जांपल्स आप वर्चुअल रियलिटी की अज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए, फॉर एग्जांपल खाना पकाने के लिए, हर किस्म की ट्रेनिंग के लिए आप वर्चुअल रियलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो। वर्चुअल रियलिटी का बेसिक मकसद ये है कि आपके सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जो आपके सामने हो भी ना लेकिन आपको वो फील भी हो रहा हो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल वर्चुअल रियलिटी, कि आपको फील ऐसा हो कि आपके सामने जो एनवायरनमेंट है वो रियल है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल एनवायरनमेंट नहीं होता। वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस का सहारा लेके हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग रियल वर्ल्ड में हैं। ओके, तो ये आने वाले औकात में कंप्यूटर्स के हालात इस तरह के होंगे, कंप्यूटर्स इतने एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे कोट करूँ आपकी फील्ड से रिलेटेड। देखें आप लोग डॉक्टर्स हो, आप लोगों ने टेलीमेडिसिन का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपकी नज़रों से ये वर्ड गुजरा होगा। तो टेलीमेडिसिन भी एडवांस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है कि आप घर में बैठ के मरीज का इलाज कर सक रहे होगे, घर में बैठ के मरीज का पूरा ऑपरेशन कर रहे होगे थ्रू रोबोट्स। रोबोट्स आएंगे, रोबोट्स इंस्टॉल हो जाएंगे किसी दूर दराज के इलाके में, ठीक है, और रोबोट्स को 5G इंटरनेट के ज़रिए से कनेक्ट किया जाएगा, आप जहाँ पे भी दूर कहीं भी बैठे हो वहाँ पे। अब आप रोबोट को कंट्रोल कर रहे होगे, रोबोट के जो हेड पे जो कैमरा होगा वो आपको व्यू दे रहा होगा पेशेंट की बॉडी का। आप लोग यहाँ से अपने हाथ चला रहे होगे और रोबोट की सारी जो मूवमेंट है वो कंट्रोल हो रही होगी रिमोटली वर्चुअली वहाँ पे, और वो रोबोट इलाज कर रहा होगा। तो टेलीमेडिसिन का यही तो कॉन्सेप्ट है कि आप दूर बैठ के इलाज कर सकते हो किसी भी मरीज का। तो ये आने वाले औकात में, बल्कि अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ हो रही है, एक्सपेरिमेंटिंग जारी है ज़ोरों शोर से। पाकिस्तान में भी ये चीज़ जल्द आएगी क्योंकि हमारा जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान का वो आउटस्टैंडिंग है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर्स निकले कहाँ से? ये तो अभी तक हमने बात किया कि कंप्यूटर्स का हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अमल दखल हो गया है, तो कंप्यूटर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? कंप्यूटर्स आपको ऊपर से देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा मशीन्स लग सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये असल में इनका काम बड़ा छोटा सा होता है। असल में ये सिर्फ कैलकुलेटर होते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स को खोल के देखो कभी अंदर से, तो आपको बड़ी ही कॉम्प्लेक्स किस्म की सर्कटरी फील होती है कि ये तो आउट ऑफ द बाउंड्री है हमारे माइंड में, पता नहीं क्या चीज़ हो जाएगी। लेकिन रियल में इन मशीन्स का काम बड़ा सिंपल होता है। याद रखने वाली बात है, कंप्यूटर्स जो हैं वो मल्टीपल लेयर्स की एब्स्ट्रैक्शन होती है। मतलब सबसे ऊपर एक बॉडी होती है जो इंसान को ऐसा फील करवाती है कि ये बड़ी फ्रेंडली मशीन है। उस बॉडी की लेयर के नीचे सर्कटरी होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। उस सर्कटरी के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स होते हैं, ठीक है। जब जो वो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मशीन को इस काबिल बनाते हैं कि मशीन हमारी मर्जी का काम कर सके। तो कंप्यूटर की एक जो ब्रेकडाउन है वो इस तरह होता है। ओके,
मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ये लाइंस जो अब आपके सामने आई हैं स्टार्ट फ्रॉम सिंपल जीरोस एंड वन लॉजिक यूनिट सीपीयूज, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा है। इन सबको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हिस्ट्री के बारे में, तो आज हम लें हिस्ट्री के बारे में ही समझ लें, ठीक है। अच्छा, तो अब कंप्यूटर्स के वेरी बेसिक्स पे जाके, बिल्कुल स्टार्टिंग पे जाके बात करते हैं कि एक कंप्यूटर आया कहाँ से, निकला कहाँ से, ठीक है। यू नो ह्यूमंस की जो इवॉल्व एबिलिटी है, वो कहा जाता है कि इंसान पहले जानवर था, फिर उसको अकल आती गई, वो एक्सपेरिमेंटिंग करता गया, वो डेवलप्ड होता गया, और अब आके कंप्यूटर की एज में है वो, ठीक है। लेकिन लफ्ज़ कंप्यूटर की इवॉल्वेबिलिटी क्या है वो भी आपको समझना, कि वर्ड कंप्यूटर कैसे, कहाँ से इवॉल्व हुआ हुआ है। वर्ड कंप्यूटर आया हुआ है एक लैटिन वर्ड से, कंप्यूटेर से, ओके। वर्ड कंप्यूटेर का मतलब है किसी भी चीज को गिनना, कैलकुलेट करना, उसका हिसाब किताब लगाना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एंड और नॉट ऑपरेशंस, ये सब कुछ आपको पता है। वर्ड कंप्यूटर इसके अलावा और कुछ नहीं करता, सिर्फ वो कैलकुलेशंस करता है, ठीक है। अब जरा समझे, ये जो लाइंस आपके सामने अपीयर हुई हैं इनका मतलब क्या है। देखिए, जो कंप्यूटर है ना वो सिर्फ कैलकुलेशन करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। इस लाइन का मतलब और मकसद ये है कि हमारे पास, इंसानों के पास भी एक कंप्यूटर होता है, माइंड, ठीक है, दिमाग। इंसानी दिमाग की इलेक्ट्रॉनिक नकल कंप्यूटर है। जिस तरह इंसानी दिमाग से हर वक्त प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक दिमाग मतलब कंप्यूटर भी हर टाइम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। मतलब हमारा माइंड हर टाइम कैलकुलेशन कर रहा है। मिसाल के तौर पर इस वक्त आपका माइंड मेरे अल्फाज को आपके माइंड में प्लस करता जा रहा है, ठीक है। जो आपने 3 क्लास में कभी कोई बुक पढ़ी थी, उस बुक में क्या लिखा हुआ है, अब आपके माइंड से माइनस हो चुका हुआ है, ठीक है। जब आप ये मेरा लेक्चर बुक से या कहीं और से जाके समझोगे, आपका नॉलेज मल्टीप्लाई होगा, आपके माइंड के सेल्स का वो जो होराइजन है वो मल्टीप्लाई होगा। और जब आप कभी मेरे इस लेक्चर को कभी और किसी के साथ डिस्कस करोगे, तो बेसिकली आपका नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है इन ह्यूमन माइंड इसके अलावा और कुछ नहीं करता, कि वो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है। अब अगर कोई एक शख्स मेरे साथ आके खड़ा होता है जिसका कलर मेरे से काफ़ी ज़्यादा फेयर है, तो आपका माइंड मेरे कलर में उसका कलर ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है, ग्रेटर देन का जो ऑपरेशन होता है, वो लगा के मेरी और उसकी पर्सनालिटी में एक फ़र्क आपके माइंड में स्टोर कर देगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जो मेरी हाइट से कम हाइट वाला है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली मतलब साइकोलॉजिकली कंपेयर करेगा मेरी पर्सनैलिटी को उसकी पर्सनैलिटी से, और लेस देन का जो ऑपरेशन है वो मेरी और उसकी पर्सनैलिटी में कैलकुलेट करवा के आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी मेरी और उसकी पर्सनैलिटी। आपको याद रहेगा कि हाँ जी सर की हाइट ज़्यादा है, उस बंदे की हाइट कम है। तो इट मींस के आपका माइंड हर टाइम कैलकुलेशंस कर रहा होता है। इसी तरह जो कंप्यूटर का माइंड है वो हर टाइम कैलकुलेशंस ही कर रहा होता है। मतलब जो कंप्यूटर है, वर्ड खुद कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेट करना, क्योंकि वो इंसानी शक्ल की, इंसानी दिमाग की नकल है, ओके। आगे चलते हैं जी, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली कि कंप्यूटर वर्ड का मतलब है कैलकुलेशंस, ठीक है, ऐसी मशीन जो हिसाब किताब लगाए, ओके। अब दुनिया का पहला कंप्यूटर कहाँ से आया? दुनिया का पहला कंप्यूटर एक मशीन नहीं थी, दुनिया का पहला कंप्यूटर एक इंसान था। मतलब ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन थी। कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेट करने वाला, हिसाब किताब लगाने वाला। तो हिसाब किताब लगाने वाला सबसे पहला जो इंसान था, जो जिसको कभी किसी कहीं किसी जगह पर अकाउंटेंट की या हिसाब किताब लगाने वाले की जॉब मिली होगी, वो उसको कंप्यूटर कहा जाता था, ठीक है। तो इंसानों ने देखा कि यार अब एक इंसान कंप्यूटिंग कर रहा है, एक इंसान हिसाब किताब लगा रहा है, एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो हिसाब किताब लगाए। इंसान कितना हिसाब लगा लेगा? एक वक्त आता है जब चीज़ों को
ऑटोमेट कर देना चाहिए है, चीज़ों को हमें इस तरह डिज़ाइन कर देना चाहिए कि वो खुद कार हो जाए। तो इंसानों ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी और फिर इंसानों की उस रिसर्च के दौरान एक साइंटिस्ट आते हैं, जॉन वॉन लिबनिज, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि इंसान सारा दिन बैठ के कागज़ और कलम इस्तेमाल करता रहे और छोटे मोटे हिसाब करता रहे, कोई ना कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए है, कोई ना कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इंसान का ये काम करे। इन्होंने ये नज़रिया पेश किया था, ठीक है। तो इनके इस नज़रिए पर रिसर्च मजीद हुई, इंसान कुछ ना कुछ ऐसा तैयार करने लग गए कि जिसकी वजह से कैलकुलेशन कागज़ों और कलम से आगे चली जाए। तो फिर सबसे पहली हमारे पास डिवाइस आ गई जिसको कहा जाता है अबैकस, ठीक है। आप इसका टेक्स्ट देखें तो आपको नजर आएगा, द अर्लीस्ट रिकॉग्नाइज डिवाइस कंप्यूटिंग वाज अबैकस। 2500 BCE में ये डेवलप हुई थी, ठीक है। ये हैंड हेल्ड थी, तब ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, ठीक है। अब तो कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक है ना, तब ये सिर्फ हाथ से इसको ऑपरेट किया जाता था। ये प्लस और माइनस जैसे छोटे मोटे ऑपरेशंस करने के लिए यूज किया जाता था अबैकस, ठीक है। अब अबैकस यूज कैसे होता है, इसकी ऑन द बॉटम रो रिप्रेजेंट्स अ सिंगल यूनिट, इन द नेक्स्ट रो दे रिप्रेजेंट 10, द रो अबव 100 एंड सो ऑन। लेट्स से वी हैव 3 हेड्स ऑफ कैटल रिप्रेजेंटेड बाय 3 बीड्स ऑन द बॉटम रो ऑन द राइट साइड। इफ वी वर टू बाय 4 मोर कैटल, वी वुड जस्ट स्लाइड 4 मोर बीड्स टू द राइट फॉर अ टोटल ऑफ 7, बट इफ वी वर टू ऐड 5 मोर आफ्टर द फर्स्ट 3, वी वुड रन आउट ऑफ बीड्स। So we would slide everything back to the left, slide one bead on the second row to the right, representing 10. Next up, फिर उसके बाद एक मशीन डेवलप हुई जिसको हम स्लाइड रूल कहते हैं। उसमें आप आपको स्लाइड रूल किस तरह काम करता था उसकी वीडियो भी ये मौजूद है, ठीक है। ये भी आप इजी, ये वीडियो है था उसमें आप आपको आराम से समझ सकते हैं कि स्लाइड रूल किस तरह काम करता था। एक मैं चीज यहां पे कोट करता जाऊं, आपको सवाल किस तरह के बन के आएंगे आपके UHS के पेपर में वो भी सुन लें। आपको कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा कि स्लाइड रूल किस तरह वर्क करता है, ठीक है। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियोस हैं, ये मटेरियल है, लेकिन जिस तरह के सवाल बन के आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एट द मोमेंट आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए ये चीज़ें समझनी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अप उन्होंने एक कैलकुलेटर डेवलप किया था, ठीक है, जिसको पास्कलाइन कैलकुलेटर कहा जाता है। ये बड़ी जबरदस्त मशीन थी क्योंकि ये 6 फिगर्स तक हमें आंसर करती थी। इसकी रेंज 6 फिगर्स तक थी, मतलब एक लाख तक का जो हिसाब किताब है वो ये लगा के दे देती थी, जो ये नॉर्मल मशीन्स ये नहीं लगा सकती थी, ठीक है। ये ना स्लाइड रूल ये कर सकता था, ना ही अबैकस के जरिए ये किसी एक्यूरेट वे में जवाब आता था। लेकिन ये जो था उसमें पास्कल था, इसने एक टैबुलेटर बना लिया था, मतलब एक मशीन बना ली थी। इस मशीन की वर्किंग भी इस पूरी वीडियो में बताई गई हुई है, ठीक है जी। फिर इंसान को एहसास होना शुरू हुआ कि ये जो मशीन्स हैं हमारे सामने जो डेवलप हुई हैं, ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं। ये मैकेनिकल मशीन्स हैं, मतलब इनको हाथों से ऑपरेट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स नहीं थी ये, ठीक है। और इनके ज़रिए से आंसर्स जनरेट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और आंसर्स भी एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं आते। तो इंसान ने सोचा कुछ कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल हो और साइज में भी छोटी हो। तो जैसे 20th century का आगाज़ होता है तो चार्ल्स बाबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, वो अपनी रिसर्च दुनिया के सामने पेश करता है। वो डिस्क्राइब करता है कि एक ऐसी मशीन मैं बनाना चाहता हूँ जो बड़े ही कम वक्त में बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस करके दिखा देगी, जिसका नाम उसने रखा था डिफरेंस इंजन। 25,000 components collectively weighing around 15 tons. Unfortunately, the project was ultimately abandoned. But in 1991, historians finished construction.
25,000 components, collectively weighing around 15 tons. Unfortunately, the project was ultimately abandoned. But in 1991, historians finished constructing a difference engine based on Babaji's drawings and writings, and it worked. But more importantly, during construction of the difference engine, Babbage imagined an even more complex machine, the analytical engine. Unlike the difference engine, कि चार्ल्स बैबेज ने उस टाइम जो मशीन सोची थी डिफरेंस इंजन वो बहुत ही कमाल की मशीन थी और अगर वो उस टाइम बन जाती तो आज दुनिया शायद किसी दूसरी शक्ल में बैठी होती। वो मशीन काफ़ी बाद में जाके फिर दूसरे साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली थी। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि उसके 15 टन उसका वज़न था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अबेंडन हो गया, मैंने आपको बताया, फंड्स की कमी की वजह से। और फिर डिफरेंस इंजन के बाद 10 साल जब उसको लगे उस डिफरेंस इंजन बनाते हुए, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका। फिर उसको आइडिया आया कि नहीं, मैं इससे भी बेहतर मशीन बना सकता हूँ, जिसका उसने नाम रखा एनालिटिकल इंजन। और वो मशीन उसने बनाई थी और वो मशीन बहुत ही ज़्यादा औसम थी। उसकी जो कुछ एप्लीकेशन हैं वो ये हैं कि वो फुली प्रोग्राम ऑटोमेटिक और बहुत ही ये वाली कैलकुलेशन कर सकती थी वो मशीन। ये जो आप देख रहे हैं पॉलीनोमियल्स, और ये मतलब मैथमेटिक्स के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशंस होते हैं। ये उसकी ये वाली मशीन उस जमाने में 25,000 कंपोनेंट्स कलेक्टिवली वेइंग अराउंड। तो अब आप देख रहे हैं कंप्यूटर्स, अब आपको समझने के लिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहां आपने अपने जहन में क्या बिठाना है कि कंप्यूटर्स मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका साइज रिड्यूस होता जाएगा और वो इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम्ड हो जाएंगी, वो इंसान के कंट्रोल में ज़्यादा आ जाएंगी। वो मशीन्स आहिस्ता आहिस्ता इस तरह डेवलप हो रही हैं कि वो साइज में भी कम हो रही हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा हो रही है और वो कॉमन मैन के सर्कल में भी आ रही हैं, क्योंकि ये मशीन्स उस ज़माने में सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक महदूद थी, किसी आम इंसान के पास नहीं। अब तो हर इंसान के पास एक मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, कोई ना कोई कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, लेकिन उस ज़माने में क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था और ये वेल रिसर्च मशीन्स थी तो चंद ही लोगों के पास थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एनालिटिकल इंजन उसने बनाया जो एक बड़ी औसम मशीन थी उस ज़माने की। और फिर एनालिटिकल इंजन के बाद जो एक रेवोल्यूशनरी मशीन सामने आई थी वो ये हरमन हॉलेरिथ के की पंच कार्ड मशीन थी। ठीक है, ये पंच कार्ड मशीन किस तरह काम करती है, इसकी भी ये वीडियो आपके सामने मौजूद है, आप इसको 1860 को हुआ था। आपको समझ आ जाएगी कि ये पंच कार्ड उनको एक टैबलेटिंग मशीन बनाने का आइडिया लेट 1880 में आया। उस समय यूएस में चलने वाली ट्रेन्स के टिकट से आया था। उस समय ट्रेन्स के टिकट कलेक्टर टिकट को एक स्पेसिफिक जगह होल पंच कर देते, जिस तरह एक नॉर्मल टिकट होती है ना, उस तरह का एक पंच कार्ड होता था। उस पंच कार्ड को रीड करने के लिए एक टैबुलेटिंग मशीन थी और ट्रैक करती थी होल्स को एक स्पेसिफिक कार्ड। ये होता है, अब इसका फंक्शन क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं आपको फिजिकल क्लास में ज्यादा बेहतर तरीके से समझाऊंगा। हाँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने ये वीडियो देख लेनी है। अगर कोई लफ्ज या लाइन या कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप डिस्कस जरूर करें। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर मुकम्मल हो रहा है। आज आपको सीखने को क्या मिला है, आज आपको सीखने को ये मिला है कि कंप्यूटर्स क्या करते हैं, मतलब जो चीज़ें याद रखने वाली हैं इस लेक्चर में वो ये हैं कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं। कंप्यूटर्स कैलकुलेटिंग मशीन्स होती हैं, ऐसी मशीन जो कंप्यूट करती हैं। उनकी इवॉल्वेबिलिटी आपने देखी, उनकी एवोल्यूशन आपने देखी कि किस तरह वो इवॉल्व हुई, कहाँ से एबेकस से निकल के फिर टैबुलेटिंग मशीन तक कंप्यूटर्स किस तरह इवॉल्व हुए, और फिर आपने देखा कि आने वाले औकात में कंप्यूटर्स किस तरह हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करेंगे और एट द मोमेंट किस तरह प्ले कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस कर ले। मैं अपनी ईमेल आईडी और अपना जो किस तरह आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली फेसबुक पर जब मैं अपलोड करूँगा आपका लेक्चर तो आपको फेसबुक आईडी तो मिल ही जाएगी। उसके अलावा ये स्लाइड्स जिस बच्चे को चाहिए हैं वो काइंडली राबता कर ले, उस तक स्लाइड्स पहुंच जाएंगी व्हाट्सएप के ज़रिए से। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आपको जब आसानी हो, जब कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ओके जी,
स्क्रीनशॉट बना लें, जो भी करना कर लें। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा प्रैक्टिकल का लेक्चर है, उसमें मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।